हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 स्टेट्स ऑफ मैटर। टू फ्रेंड्स सोनू एंड मोनू बॉट एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट डे। टू फ्रेंड्स थे सोनू एंड मोनू, उन्होंने हॉट डे में एक आइसक्रीम खरीदी। सोनू एट हिज आइसक्रीम फास्ट बट मोनू वॉज वेरी स्लो सो हिज आइसक्रीम मेल्टेटेड। सोनू जो था उसने आइसक्रीम को बहुत ही फास्ट मतलब जल्दी जल्दी खा लिया, बट मोनू ने उसको बहुत ही स्लोली स्लोली खाया तो उसकी जो आइसक्रीम थी वो मेल्ट हो गई एंड टर्न्ड इनटू अ लिक्विड, वो लिक्विड में चेंज हो गई। इन द सेम वे वी सी मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, ऐसी हम हमारे चारों ओर बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टोन है, वुड, मिल्क, एयर वी ब्रीथ इन दैट इज ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये जितनी भी थिंग्स होती हैं ऑल दिस आर मैटर। इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर इज एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या होता है, कोई सी भी थिंग्स होती है जिसमें मास होता है और ऑक्यूपाइज स्पेस होती है उसको हम मैटर बोल सकते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर इज एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इफ़ अ बुक इज केप्ट ऑन अ टेबल, आपने एक बुक को टेबल पर रखा, इट इज़ ऑक्यूपाइंग सम स्पेस एट इट कैन ऑल्सो बी वेट। मतलब ये आपको अगर उसने आपने उसको टेबल पे रखा है तो वो कुछ स्पेस घेरेगी, एक जगह लेगी और उसका कुछ वेट भी होगा, उस वेट को हम क्या बोलते हैं, सो इट हैज़ सम मास, इसको हम क्या बोलते हैं, मास। तो दिस मीन्स अ बुक इज़ एग्जाम्पल ऑफ मैटर। तो आप बुक को क्या बोल सकते हैं, ये मैटर है। क्यों मैटर है, क्योंकि उसने स्पेस ली एंड उसका मास भी है, तो इसलिए ये क्या हो गई, मैटर हो गई। सिमिलरली हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, वाटर, वाटर भी क्या करता है, अगर उसको हम किसी भी ग्लास में लेंगे तो वो उतनी स्पेस घेर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो भी क्या लेती है, स्पेस लेती है। इन दोनों के मास होते हैं तो ये भी क्या है, मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। मैटर किससे बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनसे मिलकर मैटर्स बनते हैं। इन जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब देर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स। मैटर्स की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, अब मैटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। इसकी थ्री स्टेट्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये बनते हैं उनके अरेंजमेंट के कारण इनको थ्री स्टेट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या बोल सकते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल स्टोन्स, ब्रिक्स, टेबल, वॉल एक्सेट्रा, और भी इसके हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। लिक्विड, लिक्विड मींस वाटर, मिल्क, पेट्रोल, सिरप एक्सेट्रा। एंड गैसेस का एग्जांपल क्या होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एयर एंड एक्सेट्रा। ये जो थ्री स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है इसकी सॉलिड, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें आपको एक फिगर बना हुआ दिख रहा है आपके, इसमें द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये आपको इसमें कुछ डॉट डॉट टाइप्स दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास पास है, आपको दिख रहे होंगे, इनके बीच में कुछ भी गैप नहीं दिख रहा है, तो हम इनको क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, और या फिर क्या बोल सकते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, या फिर वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इस कॉल्ड अ सॉलिड। तो सॉलिड की डेफिनेशन आप क्या बता सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड या फिर दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इस कॉल्ड सॉलिड। द पार्टिकल्स आर सो क्लोज दे कैन नॉट मूव फ्रीली। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि वो फ्रीली घूम मूव नहीं कर सकते, बट कैन ओनली वाइब्रेट, वो अपनी प्लेस पे सिर्फ क्या होते हैं, वाइब्रेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ वुडन ब्लॉक, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसकी बात कर लेते हैं हम, आइस क्यूब, ब्रिक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड।
सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके कुछ गुण होते हैं, क्या क्या होते हैं। जो सॉलिड होते हैं उनका डिफाइनेट शेप होता है, मतलब उनका एक डिफाइनेट शेप हम बता सकते हैं सॉलिड्स का, जैसे बुक्स है, ब्रिक्स है, इनका एक शेप होता है, जिस पर्टिकुलर शेप होता है जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये कौन सा शेप है। इट हैज़ डिफाइनाइट साइज़, उनका साइज भी डिफाइनाइट होता है कि वो कैसा है। द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। ये इनकी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट हैज़ डिफाइनाइट शेप, इनका एक डिफाइनाइट शेप होता है। इट हैज़ डिफाइनाइट साइज, इनका डिफाइनाइट साइज होता है। द पर्टिकुलर्स आर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिक्विड, जो सेकंड स्टेट होती है मैटर की वो कौन सी होती है, लिक्विड होती है। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, जैसे आपने सॉलिड में पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं। दे आर लिटिल फॉर ईच अदर इज कॉल्ड लिक्विड, मतलब वो लूजली पैक्ड तो होते ही हैं बट उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक दूसरे से होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, बस थोड़ी लिटिल फॉर डिस्टेंस उनके बीच में होती है, तो इसको हम बोलेंगे लिक्विड। द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज सच दैट देयर इज स्कोप फॉर लिटिल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उनकी जो गैप होती है उसमें वो बहुत ही कम उनका मूवमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाटर, जूस, मिल्क एक्सेट्रा, ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिक्विड्स की, आपको फिगर में बना हुआ दिख रहा है शेप्स लिक्विड का, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत ही लिटिल सी डिस्टेंस होती है, टाइटली पैक्ड नहीं होते। इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इनका शेप जो रहता है फिक्स नहीं होता है। इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये जो क्या करते हैं कंटेनर का ही शेप ले लेते हैं। सपोज़ हमने वाटर लिया, वाटर को अगर मैंने गिलास में लिया है तो गिलास का शेप ले लेगा, अगर मैंने कंटेनर चेंज कर लिया, अगर मैंने उसको छोटे से कप में ले लिया है तो वो कप का शेप ले लेगा, अगर मैंने उसको एक जग में ले लिया तो वो वाटर जो है जग का शेप ले लेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू कंटेनर वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। तो इसका कोई नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड साइज, जैसे सॉलिड का साइज फिक्स होता है तो इनका साइज भी फिक्स नहीं होता, जब शेप फिक्स नहीं होता है तो इनका साइज भी फिक्स नहीं होता है। बट इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड, बट इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। द पार्टिकल्स आर लूजली पैकेड, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके वो कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। अगर हम इसको सॉलिड से कंपेयर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं बेटा कि इसमें जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, बट इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली मतलब थोड़े हल्के से पैक्ड होते हैं पर लूज टाइप रहते हैं, तो वो अपनी ही प्लेस पे वो क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। तो ये था आपने लिक्विड पढ़ा। अब हम आते हैं इसकी जो थर्ड स्टेट होती है मैटर की, गैस। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी फॉर, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, वेरी फॉर मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड अ गैस। ओके, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी फॉर फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड गैस। द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज सो मच that there is space for free movement of particles. अब आपने अगर इस पिक्चर्स में अगर आप देखते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की गैप बहुत ज़्यादा है, अगर इनके बीच की गैप ज़्यादा है तो उनका जो मूवमेंट होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट कहीं पे भी कर सकते हैं। आपने पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दूर दूर है, तो there is space for free movement of particles. तो ये मूवमेंट इनका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट कर सकते, फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनका मिल जाएगा इनको। ओके, वी कैन नॉट सी गैसेस, हम गैसेस को देख नहीं सकते,
फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, गैसेस के एग्जाम्पल हैं. ओके, अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, जो अब अगर पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप. इनका कोई फिक्स्ड शेप होगा क्या, नहीं होगा. इट हैज़ नो फिक्स्ड साइज, ना इनकी साइज हो सकती है. इट मे नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है. द पार्टिकल्स आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं. ये इसकी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, अब उसके बाद आते हैं हम चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर्स. अभी हमने क्या पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर, थ्री स्टेट्स हमने मैटर्स की पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड देन उसकी हमने क्या पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम पढ़ेंगे चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मैटर्स की जो स्टेट्स होती है उसमें कैसे चेंजेस होता है. अगर आपने इस द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन बी चेंज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक दूसरे में कैसे चेंज हो जाते हैं. सबसे पहले फर्स्ट इज चेंजेस इन सॉलिड. सॉलिड का चेंजेस कैसे होता है, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. सॉलिड किस में चेंज हो सकता है, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं उसको हम. व्हेन वी हीट अ सॉलिड फ्रॉम सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम एट अ सर्टन टेम्परेचर, इट चेंजेस इनटू लिक्विड. अगर हम सॉलिड को कुछ टाइम के लिए हीट देते हैं तो क्या होगा, अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए हीट देंगे और कुछ टेम्परेचर में हीट देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है. दिस हैपन बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीज ऑन बीइंग हीटेड. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपने बोला कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. जब हम उनको हीट देते हैं तो उनके पार्टिकल के बीच में क्या आ जाती है, स्पेस हो जाती है. और जैसे ही उनकी स्पीस इंक्रीज होती है हीट करने के बाद तो उनमें क्या हो जाता है, मूवमेंट होने लगता है. तो इसका जो एग्जांपल है क्या है, जैसे एन आइस क्यूब, अगर हम आइस क्यूब को मेल्ट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाता है. तो आइस क्यूब कौन सा फॉर्म है आपका, सॉलिड का फॉर्म है, बट वो मेल्ट होने के बाद कौन से फॉर्म में आ रहा है, वाटर. तो वाटर कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका, लिक्विड का फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉलिड चेंज इनटू गैसेस. जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, ऐसे सॉलिड किस में भी चेंज हो सकता है, गैस में भी चेंज हो सकता है. सम सॉलिड व्हेन हीटेड फॉर सर्टन पीरियड ऑफ अ टाइम एट अ सर्टन टेम्परेचर डायरेक्टली चेंज इनटू गैस. कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको हीट देते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या होते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं. दिस हैपन बिकॉज द स्पेस बिटवीन पार्टिकल और बींग हीटेड इंक्रीजिंग सो मच. मतलब कुछ सॉलिड पार्टिकल ऐसे होते हैं कि जैसे ही हमने उनको हीट दी उनके जो पार्टिकल्स है उनकी जो स्पेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. एंड देट कैन मूव फ्रीली, और वो क्या होते हैं, फ्रीली क्या करने लगते हैं, पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ मॉस्किटो कॉइल. मॉस्किटो कॉइल सभी के घर में होगी, पिक्चर्स में भी आपको दिख रही है. जो मॉस्किटो कॉइल्स होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, बट जैसे हम उसको बर्न करते हैं उसमें से क्या निकलती है, धुआं निकलता है. वो जो धुआं होता है वो किसका फॉर्म होता है, गैस का फॉर्म होता है. वो हमारे घर में भी हम एग्जाम्पल के रूप में हम उसको देख सकते हैं. ओके, चेंज इन लिक्विड. अब लिक्विड की बात करते हैं तो जो लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, लिक्विड को भी हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं. अगर आपने अपने घरों में देखा होगा, सभी के घरों में फ्रीज होता है, हमने जो आइस ट्रे रहती है उसमें हम वाटर डालते हैं, वाटर से उसको फील करते हैं, और कुछ टाइम बाद जब हम फ्रीज में से ट्रे निकालते हैं तो वो कौन से फॉर्म में निकलती है, आइस के फॉर्म में निकलती है. और जो आइस होती है वो कौन सा फॉर्म होता है, सॉलिड का फॉर्म होता है. व्हेन वी फ्रीज अ लिक्विड इन टर्न इनटू सॉलिड, दिस हैपन बिकॉज ऑन कूलिंग द मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूस एंड गैप बिकम लेस. क्यों होता है ऐसा कि जब हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड में क्यों चेंज होता है, क्योंकि कूलिंग करने पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर की स्पेस होती है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है. और जैसे ही लिक्विड की स्पेस कम होती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है. और उसके बाद जो लिक्विड वो किस में टर्न हो जाता है, आपका सॉलिड में टर्न हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ फ्रोजन टू फॉर्म ऑफ
आइज़। वाटर क्या में चेंज हो जाता है, आइज़ में चेंज हो गया, तो वो कूलिंग के कारण होता है। अब लिक्विड चेंज इनटू गैसेस, लिक्विड गैस में भी चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, जो लिक्विड गैस में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। कैसे होता है, जब हम व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड फ्रॉम अ सर्टन पीरियड ऑफ अ टाइम एट सर्टन टेम्परेचर, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ टेम्परेचर पे, तो लिक्विड काय में चेंज हो जाता है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। आप अपने घर में भी देखते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, गर्म करना मतलब हमने वाटर कौन सा फॉर्म है, लिक्विड का फॉर्म है, और उसको हम गर्म कर रहे हैं मतलब हीट दे रहे हैं। जैसे हमने उसको हीट दिया और बहुत टाइम तक के लिए अगर हम हीट देते हैं, तो ऊपर से उसमें से आपको धुआं सा निकलता हुआ दिखाई देता है, जो धुआं रहता है वही गैसेस का फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो लिक्विड चेंज इंटू गैसेस। ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे हमने लिक्विड को हीट दी तो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए हम उसको बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम गैस, ये एक एग्जांपल है जो लिक्विड चेंजेस गैसेस। अब उसके बाद आता है चेंज इन गैसेस, गैसेस में कैसे चेंज होता है, गैस चेंजेस इंटू सॉलिड, गैस किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में चेंज हो जाती है। When the particle of gas are cooled or compressed to such an extent that they cannot move away from each other, they turn into solid state. जब particles होते हैं जो गैस के, अगर हम उसको कूल करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मूव नहीं कर पाएंगे। अगर वो मूव नहीं कर पाएंगे तो वो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। इसका एग्जाम्पल आप क्या बता सकते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे जो ड्राई आइस रहते हैं उनको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। आपके जो रेफ्रिजरेटर्स रहते हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसमें वाइट वाइट कलर की आइस आपकी रेफ्रिजरेटर में जम जाती है, वो कौन सा फॉर्म है, गैस काय में कन्वर्ट हो जाती है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो गैस चेंज इंटू सॉलिड। गैस चेंजेस इंटू लिक्विड, गैसेस लिक्विड में भी चेंज हो सकती है, इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशंस। कंडेंसेशंस में क्या होता है कि सम गैसेस व्हेन कूल्ड, कुछ गैसेस ऐसी होती है जिनको अगर हम कूल करते हैं और हीट करते हैं तो टर्न इंटू लिक्विड, तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। व्हेन द फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर, क्या होता है, जो फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स है, पहले तो फ्रीली मूविंग कर रहे थे पर बाद में क्या होता है, जैसे ही हमने उसको हीट करा या कूल किया तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के थोड़े क्लोज हो जाते हैं, दैट दे कैन स्टिल मूव, और वो मूव तो करते हैं पर बहुत कम मूव करते हैं, एट चेंज शेप, और अपना उनका जो शेप्स रहता है वो भी कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, दे फॉर्म अ लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशंस ऑफ क्लाउड, आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो वो किसके कारण होती है, कंडेंसेशन के कारण ही होती है। फॉर्मेशंस ऑफ क्लाउड, क्लाउड बनते हैं, क्लाउड किसका फॉर्म है, गैसेस का फॉर्म है, और गैसेस में जब उनका कंडेंसेशन होता है, कूल होती है गैसेस, तो वो काय में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है और हमको बारिश के रूप में दिखती है। ओके, मोस्टली ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज इनटू अदर स्टेट, मतलब हमने ये पढ़ा कि जितनी भी स्टेट्स होती है मैटर की वो दूसरी स्टेट्स में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ऑन बीइंग हीटिंग या कूल, या तो हम उसको हीट करके चेंज कर सकते हैं या उसको कूल्ड करके भी चेंज कर सकते हैं। द चेंजेस ऑक्योर ओनली ड्यू टू चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर,